Good morning, students. Today we are going to discuss chapter Rise of Nationalism in Europe, class 10. So today we will discuss a point: hunger, hardship, and popular revolt. Till now, हमने अभी तक discuss कर लिया किस प्रकार conservative regimes revolutionaries को crush करने की कोशिश कर रही थी. So, 1830 का दशक था यूरोप के अंदर. 1830 there was a time of economical depression in Europe. जब economical depression था तो आप समझ सकते हैं कि पूरे यूरोप में कंडीशन काफी बदतर. सिटीज वर ओवरक्राउडेड विद माइग्रेंट फ्रॉम विलेजेस. गांव से लोग शहर की ओर प्लान कर रहे थे काम की खोज में. Peasants were suffering under feudal dues. गांव के अंदर जो छोटे किसान थे, landlord system था, उस system के कारण वो जमींदारी system में फंसे हुए थे. ऊपर से कोई भी अकाल पड़ जाना, कोई भी drought पड़ जाना, हो जाना, वो किसानों की हालत को और बिगाड़ रहा था. So, अगर दोबारा शहर में आए तो small producer facing competition from the machine-made goods, जो छोटे producer थे, जो कि अपने घर में या workshop में कुछ बना रहे थे अपना, तो वो western जो technology थी, उससे उनको बहुत ज़्यादा stiff competition मिल रहा था, specially textile के अंदर. ऐसा हम इसको इंडिया के साथ कंपेयर करके देखें तो जब इंडिया में अंग्रेज थे तो जो कपड़ा इंग्लैंड से आता था वो सस्ता था और इंडिया में बनता खदर जो था वो महंगा था, जिसके कारण इंग्लैंड के टेक्सटाइल ने हमारे खदर बुनने वाले जो वेवर थे वो इंडिया के जो वेवर थे उनको एक बार उनका काम ठप कर दिया था. तो उसी प्रकार यूरोप के अंदर भी ऐसा हुआ था. जब इस दौरान कंडीशन बहुत बदतर हो गई तो लुइस फिलिप जो उस समय राजा था रन अवे फ्रॉम द सिटी because situations were out of control. Then there was Silesia weaver, जो हमने अभी जिक्र किया कि textile के अंदर काफी competition था. तो Silesia के अंदर जो जुलाहे काम करते थे खदर बुनने का, 1845 में उन्होंने अपने contractor के against एक विद्रोह किया था. हुआ क्या था, वो contractor उनको raw material देता था और वो raw material से जो रेडीमेड जो सॉरी प्रोडक्ट थे बना के देते थे. बट कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, ही वाज कंपेलिंग वेवर्स टू वर्क अंडर चीप प्राइसेस. वो उनको बहुत कम तनख्वाह देता था, हम ये कह सकते हैं. सो इसीलिए इन सिलेसिया वेवर ने 1845 में उन कॉन्ट्रैक्टर के घर पे हमला किया, उसके घर को तोड़ा, उसके स्टोर को लूट लिया था. नेक्स्ट आफ्टर 24 आवर्स वो वेवर्स जो कॉन्ट्रैक्टर था वो वापिस आता है आर्मी के साथ और उस इंसिडेंट में 11 वेवर जो थे वो मर गए. ये था आपका सिलेसिया वेवर रिवॉल्ट और हंगर हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट का टॉपिक. यहां तक ये टॉपिक कंप्लीट होता है. पॉज कर दो सर. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स. जैसा कि हमने कहा कि यहाँ लिबरल्स मिडिल क्लास में सेल्समैन भी आते हैं, मिडिल क्लास में ट्रेडर भी आते हैं, पीजेंट भी आते हैं. सो रिच पीपल वी कैन से. सो इस मिडिल क्लास में 1848 में सबसे पहले आपका विद्रोह कर दिया, जिसमें 1848 के अंदर फ्रांस के जो राजा था फ्रेंच मोनार्की उसको रिप्लेस कर दिया मिडिल क्लास ने. उसी समय ऑन द अदर हैंड इन जर्मनी मिडिल क्लास आल्सो फॉर्मड नेशनल असेंबली व्हिच प्रोक्लेम्ड सर्टेन राइट्स फॉर द मिडिल क्लास दैट वर डिनाइड बाय द मोनार्क. दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन हेडेड बाय मोनार्क. सो यहां कॉन्स्टिट्यूशन हेडेड बाय मोनार्क मींस ये जो राजा था इसको इसकी राजगद्दी पे रखा गया, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना था, इसको पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग काम करना था.
monarch was subjected to constitution. He was responsible towards parliament. राजा जरूर था, लेकिन जो डिसीजन पार्लियामेंट लेती थी उसी को फॉलो करता था, जैसा कि हम इंग्लैंड का एग्जांपल ले सकते हैं. सो इस सिस्टम के चलते किंग ऑफ पर्शिया उसने इस पार्लियामेंट सिस्टम को रिफ्यूज किया था. ही रिफ्यूज दिस सिस्टम एंड जॉइंट हैंड्स विद द अदर मोनार्कीज टू अपोज दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, आफ्टर दैट जो पार्लियामेंट बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसको मोनार्क के द्वारा हेडेड किया गया था. सो दिस पार्लियामेंट बिकम से नेशनल असेंबली ने जो पार्लियामेंट बनाई थी वो डाल के वो बाद में डिसबैंड कर दी गई. क्यों डिसबैंड हुई? क्योंकि ये अपने लोगों की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाए. उसके डिसबैंड होने के बाद दोबारा से वहां पे मोनार्की आ गई. उसके बाद जो वेमेंस थी, मिडिल क्लास वेमेंस, जिन्होंने खुद रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, जो जो इंसिडेंट हो रहे थे वो पैरेलल टू मैन पार्टिसिपेट कर रही थी. वेमेंस रेज द इशू ऑफ देयर राइट्स. उन्होंने अपने राइट्स के लिए इशू उठाया. दे आल्सो फॉर्मड देयर एसोसिएशंस, देयर ग्रुप्स. ऑल्दो अ राइट टू वोट वाज डिनाइड टू वेमेन. इन द एंड conservative resigns, although they could crush the revolutionaries, but now they could not restore their earlier power. That's why they could not crush the revolutionaries. So in the consequences, Habsburg or Russia के अंदर जो landlord system था, जो bonded labor का system था, जो slavery था, उस सारे system को इस revolution ने खत्म कर दिया. So that's all for today. Thank you.